युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ तथा अन्य जिलों के छात्रों से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की छात्रा साक्षी पांडे के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। साक्षी पांडे ने मुख्यमंत्री से ओडीओपी के संबंध में जानकारी मांगी कि प्रदेश के लोगों के लिए कैसे ओडीओपी स्कीम किस तरह लाभदायक होगा, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओडीओपी के तहत प्रदेश का कोई भी शिल्पकार प्रदेश के किसी भी जिले में जाकर अपने माल को बेच सकता है और अपनी आमदनी कमा सकता है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर का टेराकोटा प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो गया। उन्होंने कहा कि अभी इस दिवाली में गोरखपुर के टेराकोटा ने लखनऊ में 8 लाख रुपए की आमदनी की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना के शुरू होने पर प्रदेश के छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह योजना उन गरीब छात्रों के लिए है जो कि पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते थे और उनकी प्रतिभा उनके अंदर ही दबकर रह जाती थी। यह योजना ऐसे गरीब, निर्धन व मेधा छात्रों के सपनों को पंख देगा। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी डीआईजी राजेश डी मोदक, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एसडीएम खजनी अनुज मलिक, सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी, सिटी मजिस्ट्रेट अमनोरंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम से संवाद करने वाली छात्रा साक्षी पांडे व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, वास्तव में ये अभ्युदय युवाओं के लिए एक नया सवेरा है जिसमें आपके साथ होगी, ये आश्वासन भी है और संकल्प भी। वास्तव में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मंत्र ही फलीभूत हो रहा है इस अभिनव पहल अभ्युदय में, जब सभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क मार्गदर्शन, दिग्दर्शन और पूरा सहयोग मिलेगा। ये अभी आज इसका शुभारंभ हो रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता शिखर को छू रही है। 44 लाख लोगों ने अब तक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया है, अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। 4 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं और चयन प्रक्रिया की पात्रता परीक्षा करने के बाद 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। शायद इतिहास में ये पहली जो है अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों का नेतृत्व होया है। आज उसके अभ्युदय की व्यवस्था आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मैं आपका, मेरे शब्द नहीं है कि मैं उस शब्द से आपका स्वागत करूं। यहाँ के पहुंचिया ने 50 लाख तक लोगों ने देख लिया अब तक, और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये अभ्युदय योजना उन तमाम वंचितों के जाने वाला है जिसको 70 सालों तक किसी ने अब तक पूछा नहीं था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ उन गरीबों के, उन तमाम ऐसे व्यवस्था से वंचित रहने वालों से। मैं उनके तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि हमने कई राज्यों के लोगों ने भी सत्संबंध हम लोगों से संपर्क किया है। भारत सरकार के लोगों ने भी संपर्क किया, कितना बढ़िया योजना बनाने वाले ऐसे लोगों को लिए जो उत्तर प्रदेश से प्राथमिकता 70 साल के बाद में आगे बढ़ने वाला है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन अधिकारियों ने इसमें अपनी योगदान दिया है, मैंने जैसे सहगल जी हैं हमारे, वो कमिश्नर साहब हैं, और पुलिस विभाग के अपने
लक्ष्मी सिंह जी हैं और अन्य लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए ऐसे व्यक्तियों को टटोला है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म बात के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ उनका नाम सुनकर युवाओं के चेहरे की चमक बढ़ गई है। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टेस्ट बुक के लिए आप जाने जाते हैं और 2020 में पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर एससी वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि युवाओं का मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन है माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से तमाम विद्यार्थीगण ऐसे हैं जिनके पास साधन संसाधन है, वो पैसा लेकर कोचिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, उनके पास कोई उपाय नहीं रहता था और वो अपने अंतर्मन में पीड़ा और वेदना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे, उनके लिए ये एक अनुपम उदाहरण हुआ है। और मैं समझता हूँ अभ्योदय योजना के माध्यम से जहाँ साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया होगी, वही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरे अच्छे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं, जो आईएएस और पीसीएस अधिकारीगण हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा वर्चुअल टीचिंग के तौर पर उनके लेक्चर्स अपलोड होंगे और उसे कहीं भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ विद्यार्थी उनका अध्ययन करके उनको उनके दिए गए लेक्चर्स को ग्रहण करके उसका लाभ उठा सकता है। मंडल स्तर पर जो ये निशुल्क एक प्रकार का प्रशिक्षण करने का जो कार्य योजना है, उसमें साक्षात उपलब्ध साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए हमारे विशेषज्ञ जहां उनको पढ़ाएंगे, वहीं उसका सीधा लाभ उनको तमाम पठन पाठन सामग्री को उपलब्ध कराने के साथ प्रारंभ होगा, क्योंकि मात्र दो दिनों के अल्प अंतराल में 40 लाख से ऊपर लोगों ने इसको देखा है वेबसाइट को, और 6 लाख के आसपास आप बता रहे हैं कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि इसका सफलता हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए उनके भाग्य के परिवर्तन की दिशा में एक कदम होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार कैसे आया? कपिल जी, मैं आपको और आपके सभी मित्रों को सबसे पहले बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप सब अभ्युदय योजना से जुड़ रहे हैं। अभ्युदय जो शब्द है, बहुत सारे लोगों के मन में एक कौतूहल पैदा करेगा, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्यों के साथ जोड़ के देखा है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहां हमारा एक दर्शन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है वह कही है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। यानी धर्म क्या है, जो इस लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करे और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके, यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा, इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। ये बात हमारी नियमित रूप से बैठक चलती है तो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस बात की चर्चा चल रही थी कि यूपीएससी का इस बार का जो परिणाम आया है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, वो मेरे लिए चिंताजनक था। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान
उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और कपिल आपका भी। वाराणसी के बाद अब हम चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में सुश्री साक्षी पांडे अपनी बात कहेंगी। जी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरे तथा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ये शुरुआत की। प्रश्न ये जो आपने ODOP की शुरुआत की है ये गोरखपुर प्रदेश के लिए कैसे लाभकारी होगा? देखिए ODOP की जो योजना है ये मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है जो 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट ने भी इसकी सराहना ही नहीं की बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की और आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ODOP की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ODOP देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिनव योजना है। दूसरा, हम सब इस बारे में जान सकते हैं कि शासन अपनी नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। हम बनाते हैं, अक्सर होता है कि हम बड़े बड़े निवेश पर ध्यान देते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों के अनुरूप फिर निवेश को उसके पीछे विकास भी होता है, रोजगार भी होता है। कृषि के बाद कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक रोजगार और नौकरी की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। तो ये ODOP की योजना भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसी भाव के साथ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ के नौजवान कार्य करने के लिए आप देश के अंदर दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे तो मुझे तो अच्छा लगता है जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई व्यक्ति देश में भी और दुनिया के अंदर मिल जाता है। लेकिन साथ साथ जो लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहां प्रसन्नता भी होती है लेकिन बहुत सारे लोगों की स्थिति वहां पर भी बहुत बदहाल होती है। उनको देखकर के मन में एक पीड़ा भी होती रही है और कोरोना के दौरान तो हम लोगों ने देखा जब 40 लाख माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था और उत्तर प्रदेश में उनके रहने की व्यवस्था, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए थे। मेरा यह मानना है सबसे ज्यादा रोजगार हम दे सकते हैं MSME योजना के माध्यम से तो वह सबसे अच्छा आधार उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है और जहां तक गोरखपुर को हम लोगों ने इसके लिए चयन किया है वह है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर में अगर आप गोरखपुर मुख्यालय से आगे बढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज के आगे गोलहरिया एक छोटा सा कस्बा है, उसी के पश्चिम में गांव है, छोटा सा गांव है औरंगाबाद। आज से 15 साल पहले की घटना है, मैं वहां से होके गुजर रहा था, अचानक बरसात आने लग गई
मैंने देखा कि वहां पे एक जगह से धुआं निकलना था। तो मैंने पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से, मैंने कहा धुआं कैसे? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा कैसा मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं? तो मैंने उन लोगों के घर में देखा कि वो लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, तो उसका कलर मैंने देखा। मैंने कहा ये कलर आपने किया? उन्होंने कहा नहीं, ये मिट्टी में जब हम पकाते हैं तो आग में पकाते हैं तो कलर उससे पैदा होता। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आज तो गोरखपुर में कई गांवों में ये कार्य वहां के कलाकार कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ओडीओपी योजना में गोरखपुर के टेराकोटा का चयन किया था, गोरखपुर जनपद से लोगों ने मुझसे इस बारे में कहा था कि टेराकोटा से क्या होगा गोरखपुर का। मैंने कहा देखना, गोरखपुर का ये टेराकोटा एक दिन देश के अंदर छा जाएगा। और जब हम लोगों ने 2017 में, मुझे याद है जब हम लोगों ने गोरखपुर में अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, तो हमें दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीप नहीं मिले। 51,000 दीप हमें वहां जलाने थे, लेकिन 51,000 दीप भी हमें पूरे प्रदेश से एकत्र करने पड़े। और इस बार तो कोरोना में गोरखपुर का टेराकोटा पूरे देश के अंदर छा गया। अकेले गोरखपुर का वही कारीगर मुझे मिला यहां लखनऊ में दीपावली के एक दिन पहले। तो हमारे विभागीय मंत्री उन्हें लेकर के यहाँ पर मुझसे मिलाने के लिए लेके आए थे कि लोग, हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई है। इस एग्जीबिशन में गोरखपुर का भी एक कलाकार आया है। मैंने कहा मैं आज से नहीं 15 वर्षों से जान रहा हूं इनको। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि उसने 2 दिन के अंदर 8 लाख रुपए की बिक्री की थी लखनऊ की प्रदर्शनी में। यानी मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अब चीन से नहीं बल्कि गोरखपुर का टेराकोटा का कारीगर बनाएगा। और उसकी देखा देखी प्रदेश के अंदर हर कुमार को इस कला के साथ आगे बढ़ने और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के लिए प्रदेश सरकार उसको सहयोग कर रही है। ऐसे ही हर योजना के साथ हम लोगों ने किया है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। देखिए उत्तर प्रदेश वही है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सत्ता में आने के बाद कोई स्पेशल चीजें आ गई हो या कहीं दूसरे लोग से कुछ लोग हमारे लिए कुछ अलग से कोई संसाधन कोई पैकेज भेज रहे हो। प्रदेश वही है, जमीन भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन कार्य पद्धति आपको हर एक क्षेत्र में बदलती हुई दिखाई दी होगी। आज विकास हो रहा है, जितना विकास गोरखपुर में हो रहा है उतना ही लखनऊ में भी हो रहा है, उतना ही प्रयागराज में, उतना ही वाराणसी में, उतना ही आजमगढ़ में भी, जिस आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे, हर एक जगह विकास उसी रूप में हो रहा है। क्योंकि शासन की नियत और उसको जमीन तक पहुंचाने वाली टीम की नियत दोनों अगर साफ सुथरी हो तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। और आज ओडीओपी योजना के माध्यम से भी हम लोगों को अपने युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार दिलाने और अपने स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिली है। और मेरा ये मानना है कि देश के अंदर पिछले 3 वर्ष की लोकप्रिय योजनाओं में से कोई एक योजना है तो वह है ओडीओपी की योजना, जिसे यूनियन बजट में भी मान्यता दी है और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के आधार के रूप में किसी एक योजना को स्वीकार किया है तो वह है ओडीओपी की उत्तर प्रदेश की योजना। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद की विशिष्ट उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इस प्रकार की विशिष्ट योजनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और साक्षी आपको भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। अभी तो योजना के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रामपति शास्त्री जी, डॉक्टर जी एस धर्मेश जी,
प्रोफेसर एस सी वर्मा जी, प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव सीआर के तिवारी जी, अभ्युदय योजना से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस अभिनव योजना के साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्राध्यापकगण और इस योजना के प्रति आकर्षित होकर के आए हुए अपने प्रदेश के सभी युवा प्रतिभाशाली हमारे प्रदेश के भविष्य की कमान को आगे बढ़ाने वाले मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अभ्युदय योजना के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, ये सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना है जो प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित है और इसे आप सबको समर्पित करते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कल से ये क्लासेस प्रदेश के अंदर प्रारंभ होंगी। इसमें दोनों प्रकार की क्लासेस प्रारंभ होंगी, एक जिनका एक संक्षिप्त टेस्ट करके जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें फिजिकली अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा और जो कि सीमित संख्या थी हमारी, उस दिन पहले इसका परिणाम देखेंगे, इसके बाद फिर इसका भी दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सेस को हमें सुविधा देंगे कि वर्चुअली इस अभियान के साथ जुड़ सके, तो ये दोनों प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का एक प्रयास है और इसलिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अपने प्रदेश के युवाओं से दो तीन बातें कहनी है और वह आपने सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां सुनी होंगी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि यह आप सबको भी अपने जीवन में गांठ बना करके रखनी होगी, लक्ष्य बढ़ा करके रखो, चलो और शुरुआत अच्छी से करो। जिस भी फील्ड में जाना हो शुरुआत में ही तय करो कि नहीं, हम जो करेंगे उसकी बुनियाद मजबूत इतनी कर लो कि वो बुनियाद आपको एक ताकत देती रहे। हम लोगों ने अभ्युदय योजना के पीछे का भी यही भाव रखा है। मैंने जो शुरुआत में आपको कहा अभ्युदय योजना के पीछे मेरे सामने बहुत स्पष्ट स्थिति थी, मैंने कोरोना कालखंड के दौरान इस बात को देखा, उस पीड़ा को, नर्भावकों की पीड़ा को भी देखा था और तड़पते हुए उन युवाओं की पीड़ा को भी देखा था जो कोटा में फंसे हुए थे, उनके ट्वीट और उनके द्वारा वहां से जिस प्रकार की छटपटाहट भरी, ऐसे लगता था जैसे पिंजड़े में बंद कोई पक्षी वहां छटपटाहट मचा रही हो, उन स्थितियों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैंने एक साथ यहां पर अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भी यहां से परिवहन निगम की बसेज भेजो। उस समय हमें राजस्थान सरकार ने बसेज नहीं उपलब्ध कराई लेकिन हमने यहां से बसेज भेजी और उन सभी बच्चों को सुरक्षित बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि अगर ये सुविधा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाएं
तो आखिर उसके पुष्प परिणाम आएंगे? ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उस प्रकार के योग्य लोग ना हो। आखिर अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलता पूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहुंचाया पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी आईएएस आईपीएस आईएफएस पीसीएस और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और आईआईटी के क्षेत्र में या एनडी और सीडीएस की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, इन सब के इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में देखूंगा कि आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश छाया हुआ दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का युवा छाया हुआ दिखाई देगा, यह एक विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैं इस बारे में अपने उन होनहार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। मैंने इधर भी बहुत सारे लोगों से कहा, मैं अक्सर बोलता हूं अपने अधिकारियों से कि आप कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ आईएएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, आईपीएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, विगत वर्ष हम लोग नहीं करा पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इससे पहले जब कार्यक्रम होते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आयोजन केवल आप लोगों का जमावड़ा मात्र ना बनने का है, हर एक फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी के पास कुछ ना कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो भी आप अच्छा किए हैं, अगर किसी एक जनपद में किसी ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वो अच्छा हो सकता है। आप उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक छोटी सी उसकी बना दीजिए, उसको जो है तो उसका 2-3 मिनट का एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और उसको वहां पर प्रस्तुत करिए, बताइए आपने क्या अच्छा किया है। या अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर उसमें से 3 ऐसे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो जो मेरे सामने भी प्रस्तुत हो सके, जिसको हम फिर प्रदेश के अंदर लागू कर सके। ऐसे हुआ भी है, आप देख रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा की स्कूलों में कुछ व्यापक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यापक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। और ऑपरेशन कायाकल्प के पीछे की सोच किसकी थी? हमारी एक आईएएस अधिकारी की थी, तो मेरे कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में थे, लेकिन एक जिलाधिकारी के रूप में जब वह फील्ड में कार्यरत थे उस समय उन्होंने उस विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की योजना को जन सहभागिता के माध्यम से लागू किया। उनका प्रेजेंटेशन हमें अच्छा लगा। आज प्रदेश के अंदर 90,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन करके रखा है। और उसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में भी लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि हाँ, हम लोग इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर भी थी कि आखिर यूपीएससी की परीक्षाओं में यूपी क्यों पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तो प्रतिभाओं की धरती है, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यहां पर है। फिर यहां पर कैसे हमारे प्रतिभाशाली युवा पिछड़ कैसे जा रहे हैं, कोई बात तो होगी। तो मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में कहा कि भाई इस फील्ड के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि यूपीएससी के उसमें केवल 80 छात्र यूपी के आए थे, क्या होगा यूपी का। और फिर मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कहा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, पहले 2 प्रेजेंटेशन मेरे सामने आए थे, एक आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने और दूसरा मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार ने, इन 2 अधिकारियों ने अपने 2 प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए और उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोगों ने फिर इस अभ्युदय योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। आज ये दोनों प्रतिभाशाली अधिकारी यहां पर मौजूद हैं
और जो टीम हमने प्रदेश के अंदर बनाई है पूरे कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए, इस टीम में दोनों अधिकारी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में इसका पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, जो फिजिकली भी और वर्चुअली भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और अभी से इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। मेरा कहना है कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने की संभावना हमेशा रहती है, अच्छा कुछ भी अच्छा और भी अच्छा किया जा सकता है उसमें, और उसको और भी अच्छा करने की दिशा में प्रयास। ये जितने युवा यहां पर हैं या जितने आप मुझसे जुड़े हुए हैं, कितना अब कितना गैप है, अभ्युदय योजना है क्या? 50 लाख लोगों ने अब तक इसको लाइक किया है, यूपी के 50 लाख लोग इसके साथ सीधे जुड़ रहे हैं, और जो यहां पे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है इसमें 5 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं, 50,000 को सिलेक्शन पहले चरण में किया गया है, लेकिन जो शेष हैं वे अपने को उपेक्षित महसूस न करें, उनकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, पहले वर्चुअली और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिजिकली, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। आप अनुभव कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारे पास विश्वविद्यालय न हो, महाविद्यालय न हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज न हो या कोई अन्य अच्छा संस्थान न हो, लेकिन जो अच्छे संस्थान हमारे पास मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, अक्सर होता क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग ही नहीं करते, हमारे पास इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके पास अपनी लैब है, लेकिन सॉयल हेल्थ के लिए हम लोग एक नया कमरा ढूंढते हैं, कहीं एक नया कमरा मिलेगा वहां पे हम लोग सॉयल हेल्थ का जांच कराएंगे किसानों का, आखिर इन संस्थाओं की लैब को अपग्रेड करके इसका भी उपयोग इसके लिए किया जा सकता था, कभी सोचने का प्रयास नहीं किया, अपने छात्रों को भी इसमें हम पारंगत कर सकते थे, हमने प्रयास नहीं किया, और जब उस मेरे सामने बात आएगी कि कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमने कहा देखिए पहले तो हम अभी पहले चरण में जो कि योजना अभी प्रारंभ हो रही है, तो पहले चरण में हम लोग इसको केवल 18 कमिश्नरी मुख्यालय में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब योजना प्रारंभ हो तो फिर उसको हमें सस्टेनेबल करना है, एकदम सतत रूप से आगे बढ़ाना है, वह निरंतरता उसमें बनी रहे, वह आगे निरंतर चलती रहे, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। तो पहले चरण में 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में हम इसे प्रारंभ करेंगे और फिर इसके परिणाम देख करके, ये प्रारंभ हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रारंभ है, जिनका एडमिशन हो गया है तो वही फाइनल है, ये समय समय पे इसमें वीकली है या इसमें मंथली है, इसमें टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के आधार पर फिर स्क्रीनिंग भी होती रहेगी, नए लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ होता रहेगा, ये चीजें इसके साथ एक निरंतर प्रक्रिया के साथ जुड़ता रहेगा। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है, हम प्रयास करें कि हमें अब जाए एक योजना प्रारंभ करनी है बच्चों के मार्गदर्शन करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो इसके लिए हम लोग पहले तैयारी करेंगे, फिर उसमें ईएफसी में जाएगा, फिर बिल्डिंग बनेगा, फिर 6 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक सभी लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे साहब अब तो बंद हो गई, ऐसा बंद हो यही होता है अक्सर शासन की योजनाओं में, यही सुनने देखने को मिलता है। हमने कहा कुछ नहीं, कोई ईपीसी नहीं होना है, कोई नया नहीं करना है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेजेज हैं, अच्छे संस्थान जहां भी हैं, मंडलायुक्त को हर कमिश्नरी के अंदर उसका नोडल अधिकारी तैनात बना करके, और उनसे कहा गया कि उनकी अध्यक्षता में एक टीम होगी जिसमें हर फील्ड के विशेषज्ञ होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देखना है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी सरकारी संस्थान है गैर सरकारी संस्थान है उन्हें लेकर के कार्य दिवस के समय को छोड़ करके प्रातः और सायकालीन सत्र में इसका बेहतर उपयोग करते हुए, समय का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोग इन क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। देखना होगा तकनीक के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि फिजिकली 50 बच्चे 100 बच्चे एक क्लास में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे वर्चुअली जोड़ेंगे तो लाखों बच्चे यानी 1 करोड़ तक युवाओं को उसके साथ जोड़ने का प्रयास हमारा प्रयास है, 1 करोड़ बच्चे एक क्लास के साथ एक समय में जुड़ सकते हैं। एक बड़ा अभियान, बड़े लक्ष्य को लेकर के हम
बढ़े हैं चले हैं और ये अभ्युदय योजना उसी का एक हिस्सा है। देखिए आप लोग इस बात को मान करके चले कि अभ्युदय योजना केवल एक कोचिंग संस्थान नहीं है, ये जीवन निर्माण की एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत यूपी के युवाओं के लिए, एक नई शुरुआत। आपने देखा, आप देखेंगे इसको देश के अंदर, इसको भी हम बॉडी ओपी की तर्ज पर एक लोकप्रिय योजना बना देंगे और हर एक राज्य सरकार इसके पीछे भागी की आने वाले समय हर एक जगह से लोग देखेंगे। इस योजना के साथ युवा जुड़ते हुए जाएंगे, अच्छी फैकल्टीज के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने किया है। आज प्रोफेसर एस सी वर्मा जी स्वयं यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हैं भी और इस प्रकार की अनेक प्रतिभाशाली जो फैकल्टीज हैं वह हमारे साथ जुड़ी हैं, जुड़ रही हैं, उनको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक को हम जोड़ रहे हैं। हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम आने वाले समय में इसके साथ जोड़ेंगे। शुरुआत में कुछ ही परीक्षाएं होंगी लेकिन धीरे धीरे करके इसके दायरे को बढ़ेंगे और हर एक फील्ड के युवाओं के लिए यह एक मार्गदर्शक के रूप में अभ्युदय योजना बनेगी, उसका आज शुभारंभ है। मुझे आपसे कोई बात और कहनी है। देखिए भारतीय मनीषा ने ज्ञान को प्राप्त करने की सभी दिशाओं को सदैव बनाए रखने के लिए हम सबका आह्वान किया है। आनो भद्रा कर्तो यन्तु विश्वत, इसके पीछे का भाव ही यही है। हम अपने मस्तिष्क को सदैव खुला रखें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए और उसको प्राप्त करने की दिशा में एक योजक के रूप में यही अधिकारी है। देखिए हमारे पास दोनों लोग हैं, कोचिंग जो सेंटर चलते होंगे उसमें आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाती होगी, लेकिन हमने तो दोनों दे दिए हैं, एक गाइड भी दे दिया है लेकिन साथ साथ उस चोटी पर चढ़ करके सफलतापूर्वक वापस आने वाले भी जो अधिकारी हैं, हमारा जो आईएएस है, हमारा आईपीएस है, हमारा आईएफएस है, हमारा पीसीएस अधिकारी है या मेडिकल के फील्ड में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो नीट की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, जेई आईआईटी जेई के बारे में या एनडीए या सीडीएस के बारे में जिनको भी जानकारी लेना हो, अभ्युदय उसका एक बेहतर मंच बनेगा और समय के अनुरूप यह भी अपने विस्तार के साथ साथ इसमें क्या क्या प्रसंस्करण होने हैं, क्या क्या इसमें प्रस्कृत किस रूप में इसको करना है, इस समाधान को भी ये निरंतरता प्रदान करने का कार्य करेगा। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के परिणाम किस रूप में आते थे हर व्यक्ति जान सकता है, क्या स्थिति आती है, युवाओं ने किस प्रकार के आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था पिछले चार वर्षों के दौरान आपने देखा होगा। पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और पारदर्शी तरीके से 4 लाख युवाओं को अब तक हम प्रदेश में नौकरी दे चुके हैं, 4 लाख नौजवानों को। कोई नहीं कह सकता कि एक भी नौकरी के नाम पर किसी ने सिफारिश की होगी या किसी ने कहीं से कोई सिफारिश करवाया करने का दुस्साहस भी किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है और ये इसलिए जिससे अच्छे और दक्ष लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो जनता को भी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देने में सफल होंगे और ये अभ्युदय योजना उसी का हिस्सा है, उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। कल बसंत पंचमी का दिन था और बसंत पंचमी के दिन जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले चरण में वे सभी इस योजना के साथ जाकर के अपनी क्लास को अटेंड करेंगे, पहली फिजिकल भी और वर्चुअल क्लास भी कल हर एक संस्थान में, अभ्युदय के हर एक संस्थान में पहले दिन ये कार्य योजना के लिए पहले दिन जिनको फिजिकली वहां अटेंड करना होगा वे लोग वहां जाएंगे, शेष वर्चुअली जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिससे हम बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ा सकेंगे।
और फिर इसमें आगे क्या कुछ होना है, हमारे प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और भी अन्य अधिकारी शासन स्तर पर, कार्मिक के प्रमुख सचिव, ये सभी लोग यहां पर इसकी निरंतर समीक्षा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता की जो कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा उस मुख्यालय के जो जिलाधिकारी होंगे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होंगे या उस फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी हमारे युवा अधिकारी हैं, इन लोगों को लेकर के, अच्छी फैकल्टी को लेकर के वहां पर इनके अपने कार्यक्रम उस रूप में आगे बढ़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए हम कुछ नया कर पा रहे हैं। यह अभ्युदय योजना अपने प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ लेकर के आप लोग प्रदेश का, हमारा युवा देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाएगा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देगा। आज के अवसर पर एक बार फिर से मैं अभ्युदय योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को हृदय से मैं अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सब हिम्मत हारे बगैर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होकर के आपकी प्रतिभा को एक मंच देने का कार्य ही नहीं करेगी, बल्कि एक योग्य योजक के रूप में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, देश और दुनिया की जो सबसे अच्छी फैकल्टी होगी, वह अच्छी से अच्छी फैकल्टी इसके साथ आपके साथ जुड़ करके आपके मार्गदर्शन के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ अभ्युदय योजना के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। साक्षी पांडे। कहाँ के रहने वाली हैं? गोरखपुर की। मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, क्या बात की? जी, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उन्होंने बहुत ही उचित उत्तर दिया। किस कोर्स के लिए आपने किया? यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो आज शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल से लखनऊ से किया गया है, इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं उनको तैयार करना है। और जो तैयारी होती है, तैयारी सिर्फ पुस्तकों की नहीं होती है, तैयारी अंदर से भी होती है, साइकोलॉजिकली भी होती है। और ये उन दोनों पहलुओं पर तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ साथ वो अधिकारीगण जो हमारे मंडल में और जनपद में गोरखपुर में पोस्टेड हैं और जो इस रास्ते को पार करके आए हैं, प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए आए हैं, उनका भी हम सहयोग लेंगे और आशा करते हैं कि हम सभी स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों को तैयार कर पाएंगे, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ साथ जनपद और मंडल और प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करेंगे।